गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगाया 5 साल का प्रतिबंध, 9 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई। पीएम मोदी करेंगे मंत्रियों की कामकाज की समीक्षा, मंत्रालय के कामकाज कर देंगे सुधार, सूत्रों का दावा जल्द बदले जा सकते हैं केंद्रीय मंत्रियों के व्यवहार। राजस्थान के घटनाक्रम पर ऑब्जर्वर्स ने सोनिया गांधी को सौंपी रिपोर्ट, 12 पन्नों की रिपोर्ट में सीएम गहलोत को दी गई क्लीन चिट। शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा की हो रही आराधना, मां के मंदिरों में विशेष आयोजन। शीलधाबाई ग्रेटर नगर निगम के कार्यवाहक मेयर के तौर पर आज फिर संभालेंगे कार्यभार, निगम पार्षद रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी ढेर, हथियार बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। नोटबंदी की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। अजमेर के प्रतापपुरा गांव में नाड़ी में डूबने से 4 बच्चों की मौत, देर रात निकाले गए चारों के शव, मवेशी चराने के लिए निकले थे चारों। केरल के मलप्पुरम में बोले राहुल गांधी, कहा इस देश में कुछ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, कुछ लोग देश में घृणा हिंसा और क्रोध फैलाते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर साधा निशाना, भारत के पहले पीएम हैं, उनकी विरासत खोखले भाषण, बीजेपी का शासन अपराधियों को समर्पित। सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग की कवायद, अब कार में पीछे बैठी सवारियों को भी लगानी होगी बेल्ट, परिवहन आयुक्त ने आरटीओ डीटीओ को जारी किया आदेश। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर, 206.18 मीटर तक पहुंचा जलस्तर। सोने चांदी के दामों में कमी की गई दर, सुबह चांदी के भावों में तेजी, सोना 49,529 रुपए प्रति 10 ग्राम, तो वही चांदी 55,391 रुपए प्रति किलो की बिक रही है। अयोध्या को लता मंगेशकर चौक की सौगात, पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे उद्घाटन, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 मैच आज शाम 7:30 बजे से होगा प्रसारण। रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक आज से, रेपो दर में हो सकती है एक और बढ़ोतरी, 30 सितंबर को जारी होगी नई दरें। सऊदी अरब का नया शाही फरमान, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान होंगे नए प्रधानमंत्री। सोलहवीं जयपुर साहित्य उत्सव की तारीख का हुआ ऐलान, 19 से 23 जनवरी को होटल क्लास सामने में होगा आयोजन। जयपुर के कड़थनी इलाके में घर में घुसे चोरों से भिड़ गया 11 साल का बच्चा, बदमाश का पैर पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर ने बच्चे के सर पर सरिये से किए ताबड़तोड़ मार। पानी ने रोका भद्रकाली माता के भक्तों का रास्ता, घग्गर नदी में बढ़ी पानी की आवक, पुलिस ने अस्थायी रूप से बंद की रोड। पीएम नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर की जयंती पर दी श्रद्धांजलि, कहा मुझे खुशी है कि आज अयोध्या में एक चौक का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। बाड़मेर में नकली जीरा फैक्ट्री को किया गया सीज, पशु आहार की आड़ में बना रहे थे नकली जीरा, 19,150 किलो नकली जीरा सहित कच्चा माल किया जब्त। प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों में उदयपुर संभाग को छोड़कर सभी शेष संभागों से विदा होगा मानसून, अब मौसम बना रहेगा शुष्क। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर राज्य में 100 से ज्यादा उम्र के करीब 15,000 मतदाता किए जाएंगे सम्मानित, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने करवाया वरिष्ठ मतदाताओं का भौतिक सत्यापन। धौलपुर में मकान ढहने से 4 बच्चों की मौत, 1 महिला सहित 2 जख्मी, सूचना पर मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को जिला अस्पताल में करवाया। नवरात्र को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, झुंझुनू के गुढ़ागौरजी में धवाणा माता स्थित मां जमवाई के दर्शनों के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे। भरतपुर में अतिवृष्टि से हुए किसानों की फसल खराबे को लेकर सांसद रंजिता कौली ने कलेक्टर से की मुलाकात, जिला कलेक्टर को सौंपा गया। सीकर में छात्रा से छेड़छाड़ को लेकर प्रदर्शन, कॉलेज प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की गई मांग। अंकिता की हत्या के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन, छात्राओं ने की दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी के लखीमपुर खीरी में बड़ा सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत।